और आपके साथ मैं हूं शैलन। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे कोरोना की रफ्तार अनस्टॉपेबल हो गई है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शमशान कब्रिस्तान में हालात कितने चुनौतीपूर्ण हो गए हैं, टेस्टिंग नहीं हो रही, लोग मेडिकल सुविधाओं के लिए किस तरह से तरस रहे हैं, आज सब कुछ आपको दिखाएंगे। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। लखनऊ में ऐशबाग कब्रिस्तान हो या गुराला घाट, कोरोना से मरने वाले लोगों को दफनाने और जलाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हालात कैसे हो चले हैं इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना से हालात बेकाबू हो चुके हैं। पहले जितनी लाशें बैकुंठ धाम भैंसाकुंड में पहुंच रही थी, उससे तीन गुना ज्यादा लाशें पहुंच रही हैं। पहले जहां एक दिन में एक दो लाशें दफन होती थी, अब आठ आठ लाशें दफन हो रही हैं। लखनऊ के ऐशबाग कब्रिस्तान में सुबह 26 शव पहुंच चुके हैं, साथ ही कब्र खोदने वालों की शिफ्ट में ड्यूटी लगाई जा रही है। बताया जा रहा है कि 20 लोगों का स्टाफ शिफ्ट के हिसाब से कब्र खोद रहा है। कोरोना वायरस लगातार कहर बरपा रहा है, ऐसे में लखनऊ में मौत का बाजार गर्म है। जगह जगह जो है वो कब्रें खोदी जा रही हैं और शवों को दफन किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो चिताएं हैं वो बराबर जल रही हैं। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे कि ये जो कब्र खोदी जा रही है करबला ताल कटोरा में, ये भी एक कोरोना से हुई मौत के चलते इस कब्र को खोदा जा रहा है। और जो यहाँ के मुंतजिम हैं उन्होंने साफ किया है कि लखनऊ में ये ताल कटोरा एक बड़ा कब्रस्तान है और अचानक से मौतों की जो संख्या है वो बढ़ गई है। यानी जो लोग नॉन कोविड भी हैं तो वो लोग भी ज़्यादा संख्या में शव आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो कब्रें थीं वो लगभग तीन गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं और तीन गुना ज़्यादा खोदी जा रही हैं। चाहे वो शमशान घाट हो या कब्रिस्तान हो, हर जगह पर शवों की संख्या अचानक से बढ़ जाना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लगातार हो रही इन मौतों से लखनऊ के हालात खराब हो चुके हैं। लोग बेबस हैं, मजबूर हैं, और लगातार कोरोना से मौतों का सिलसिला जारी है। लाला घाट पे मौजूद हैं, आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ दिन में और रात में दोनों टाइम चिताएं जलती हैं, और अभी तक 35 चिताएं यहाँ पर जलाई जा चुकी हैं। आपको जो ये चिता दिखा रहे हैं हम, जहाँ आग की लपटें उठ रही हैं, ये उन लोगों की जो है वो चिताएं हैं जिनकी मौत कोरोना के वजह से हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हम लाशों के अंबार दिखाएंगे कि जहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा कि मंजर कितना भयावना है, और लोग नॉन कोविड भी जो लोग हैं उनकी लाशें भी यहाँ पे लाइन से रखी हुई हैं। ये इस तरह के मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ये वाकई में दिल दहलाने वाले मंजर हैं। अब ऐसा लगने लगा है कि मौत तो ठीक है लेकिन मरना ठीक नहीं है, क्योंकि मरने के बाद लोग ना तो कंधा देना पसंद करते हैं और ना ही लोग जो है वो चिता तक कंधा देना पसंद करते हैं कि उसको चिता तक पहुंचाया जा सके। लकड़ियों का अंबार यहां पर लगा हुआ है, आप देख लीजिए कि लगातार लकड़ियों को तौलने का काम किया जा रहा है। ये लकड़ियां चिताओं के लिए तैयार जा रही हैं कि चिताएं तैयार हों। ऑलरेडी कोविड के लिए चिताएं तैयार रहती हैं, और इसके अलावा नॉन कोविड के लिए यहाँ पर लकड़ियों का अंबार है ताकि लाशें आती जाएं और उनके जलाने का प्रबंध होता रहे। तो ये तस्वीरें बेहद भयावह हैं और ये लखनऊ की तस्वीरें हैं, इनको देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है और उसकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। कैमरामैन नफीस के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। कोरोना की वजह से हालात बेकाबू है। यूपी में लोग अपनों को खो रहे हैं, अंतिम संस्कार के नजारे लोगों को डरा रहे। रिपोर्ट देखिए। शवों की कतार लगी है, शवों के अंतिम संस्कार के लिए कतार लगी है, और बीमारों की कतार लगी है, अस्पतालों में कतार लगी है, कोरोना जांच के लिए कतार लगी है,
हर तरफ कतार लगी है। मन में खौफ है कि कहीं कोरोना ना हो जाए, मन में डर है कि कहीं अपनों को ना खो दे, लेकिन लापरवाही भी अपने चरम पर है। मास्क लगाने के लिए अपीलें हो रही हैं, गुहारे हो रही हैं, लेकिन हम पर असर नहीं हो रहा है। बैकुंठ धाम का नजारा देख लीजिए, यहाँ भी शवों के अंतिम संस्कार का सिलसिला जारी है, लोग अपनों को खो रहे हैं। कोरोना वायरस को जो संक्रमण है वो फैलता जा रहा है, जिसके चलते हर दिन 5000 से ज्यादा, पिछले 3 दिनों से ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं। वहीं मौतों का भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं भैंसाकुंड बैकुंठ धाम पर, आपको दिखाना चाहेंगे। अभी सुबह का वक्त है और सुबह ही लाशों की जो कतारें हैं वो लगना शुरू हो गई हैं। लगातार जो संक्रमित लोग हैं उनका जो शव दाह है उसके लिए लोगों को पहुंचना शुरू हो चुका है। आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में लोग अभी मौजूद हैं। सुबह का वक्त उसके बावजूद अभी से लोग यहाँ पर आने शुरू हो गए, जो शवदाह का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। वहीं अगर बात करें कि अभी तक के सुबह से 6 शवदाह किए जा चुके हैं और लगातार इसका सिलसिला जारी है। बीते दिन की बात करें तो बीते दिन बैकुंठ धाम में सिर्फ 182 लोगों को शवदाह किया गया था, जिसमें बताया जा रहा है कि 30% लगभग जो कोरोना संक्रमित लोग थे उनका शवदाह किया गया था। लगातार जिस तरह से कोरोना वायरस अपने लखनऊ में पैर पसार रहा है, उससे हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं और लगातार जिस तरह से लोगों के मरने का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो खौफ है वो साफ तौर पर राजधानी लखनऊ में देखा जा रहा है। अगर आप लखनऊ में बने कोविड कमांड कंट्रोल रूम का भरोसा कर रहे हैं तो ये भी आपकी भूल ही है, क्योंकि यहाँ के हालात बेहद बुरे हैं। लखनऊ में मौत का बाजार गर्म है, अस्पतालों में जगह नहीं है, शमशानों में लगातार चिताएं जल रही हैं और यहाँ के जो स्वास्थ्य महकमा है वो हाथ पे हाथ रखकर बैठा हुआ है। इस वक्त हम कोविड कमांड सेंटर पर मौजूद हैं, हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं लेकिन सुविधाओं के नाम पर फिलहाल कुछ भी नहीं किया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं और उनकी फरियाद सुनने वाला कोई भी नहीं है। हालात बद से बदतर हैं, लोगों के आंखों से आंसू छलक रहे हैं लेकिन यहाँ के CMO उनका दर्द और उनकी फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। हम इन लोगों से बात करेंगे, इनका दर्द जानेंगे कि ये लोग कहाँ से आए हैं और कौन हैं और यहाँ कब से भटक रहे हैं। क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सैफी है, मैं लखनऊ का ही रहने वाला हूँ। मेरे फादर कोविड पॉजिटिव आए थे 10 तारीख को, जो कि रिपोर्ट इनके पास आ गई थी 11 को। उसके बाद मैंने 12 तारीख को इमरजेंसी रजिस्टर कर दी थी और तब से लेकर अब तक मैं इनको 50 कॉल कर चुका हूँ, कई बार आ चुका हूँ। फादर हाई शुगर BP है, उन्हें शुगर हाई है, प्लस वो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन है, इसके अलावा कई सारी उन्हें मेडिकल कंडीशंस है जिसके लिए मैं घर पे होम इलाज नहीं कर सकता। क्या नाम है आपके वालिद का, क्या नाम है? मेरे फादर का नाम मोहम्मद सलीम है और मेरा नाम मोहम्मद सैफी है। किस जगह के रहने वाले हैं और यहाँ आप किन लोगों से अभी तक मिले हैं? कोविड कमांड सेंटर में किन लोगों से बात हुई है आपकी? मेरी अभी तक सिर्फ यहाँ के बाहर के लोगों के जो स्टाफ आते जाते हैं उन्हीं से बात हुई है, CMO से कोई बात नहीं हुई है। और मैं यहाँ पर सादतगंज लगन मंडी का रहने वाला हूँ। कोरोना संक्रमित होने के बावजूद CM योगी एक्टिव हैं, हालात पर नजर भी रखे हुए हैं। CM ने वर्चुअली जुड़कर टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और कोरोना काल में एकजुट होकर काम करने के निर्देश दिए हैं। मीटिंग में सभी जिलों के DM और CMO जुड़े हैं। CM ने सभी से टेस्टिंग की स्पीड बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं लखनऊ के बाद वाराणसी में भी कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि मास्क लगाएं, बेवजह बाहर ना निकलें और लखनऊ के KGMU को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए गए हैं। सारी कोशिशें की जा रही हैं कि कैसे कोरोना से निपटा जाए। खासतौर से KGMU को जो कोविड अस्पताल बनाने की बात हुई है उसमें सभी लोगों के साथ बैठकर यह निर्णय हो गया कि वहाँ पर पूरी तरीके से कोविड अस्पताल ही चलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हमको ज़्यादा बेड चाहिए और हर हालत में हमको लोगों को सुविधा देना है। आज हम कैंसर इंस्टीट्यूट भी गए थे, वहाँ भी 100 बेड की तैयारी चल रही है। ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछाने के लिए कह दिया, वहाँ जो बेसिक अम्यूनिटीज थी उसको पूरी करने के लिए बता दिया गया। आगरा में ताजमहल में लोगों की एंट्री बंद हो गई है, भले ही सरकार लॉकडाउन से इनकार कर रही हो लेकिन कदम उसी ओर बढ़ रहे हैं। लखनऊ में जिला प्रशासन ने बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, पिक्चर गैलरी और शाह नजफ इमामबाड़ा अग्रिम आदेशों तक बंद करने का फैसला लिया है। देश में कोरोना के मामले हर रोज अब 2 लाख के पार आ रहे हैं, ऐसे में स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। यूपी में अब अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो कार्रवाई के लिए तैयार है, क्योंकि यूपी में मास्क न लगाने पर जुर्माना देना होगा। रिपोर्ट देखिए। अगर मास्क लगाने में आप भी लापरवाही कर रहे हैं तो होशियार हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि मास्क को लेकर यूपी सरकार अलर्ट हो गई है। सरकार ने फैसला किया है कि अग्रिम आदेशों तक अब प्रदेश में हर रविवार को साप्ताहिक बंदी होगी। इस दौरान आपातकालीन सेवाएं चलेंगी और पूरे प्रदेश में सैनिटाइजेशन का काम होगा, और जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। जो लोग मास्क लगाए बिना मिलेंगे पहली बार कार्रवाई करते हुए उनसे 1,000 रुपए वसूले जाएंगे, और अगर दूसरी बार भी बिना मास्क के मिले तो उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। अंबर गोल्ड TMT बार में है।